सत्ता में रहने के लिए कुछ भी बोलने को तैयार है कि अगर नीतीश कुमार 10 लाख सरकारी बच्चों को सर नौकरी यहाँ सरकारी दे दें तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे। उतना ही नहीं, उनका झंडा लेकर जीवन भर घूमेंगे, देकर दिखा दे 10 लाख नौकरी। नीतीश कुमार जैसे 100 मुख्यमंत्री आ जाएंगे तो 10 लाख नौकरी वो नहीं दे सकते। और कह रहा था कि पहले कैबिनेट में साइन करेंगे और 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। वो वक्तव्य अपने आप में दिखाता है कि वो आदमी कितना अज्ञानी है। कैबिनेट में साइन होने से अगर नौकरी मिलने का कोई प्रावधान तो संविधान में हमने नहीं देखा। अब जाकर आपको पूछना चाहिए कि कैबिनेट हो नहीं रही है कि आपका कलम टूट गया है कि स्याही सूख गई है। लेकिन गलती तेजस्वी यादव की नहीं है, गलती हमारी आपकी है। कोई आकर ये कहता है और आप उसके बाद में पड़ जाते हैं और विश्वास कर लेते हैं कि वो आपकी दे देगा। कैसे दे देगा कि नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को पिछले साल ये कहा कि एक साल में मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा। तो अब नीतीश कुमार का 15 अगस्त का वो समय पूरा हो रहा है। नीतीश कुमार को ये जवाब देने की जरूरत है कि 10 लाख नौकरी कहाँ है। ये आदमी भी सत्ता में रहने के लिए कुछ भी बोलने को तैयार है। गांधी मैदान से इन्होंने कहा 10 लाख नौकरी दे देंगे। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई 17 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, किस बात का, किस सबूत का इंतजार कर रहे थे घोषणा करने के लिए? किस सबूत का इंतजार कर रहे थे कि 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे? मैंने जिस दिन घोषणा इन्होंने की है उसी दिन कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर नीतीश कुमार 10 लाख सरकारी बच्चों को सर नौकरी यहां सरकारी दे दें तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे। उतना ही नहीं, उनका झंडा लेकर जीवन भर घूमेंगे, देकर दिखा दे 10 लाख नौकरी। नीतीश कुमार जैसे 100 मुख्यमंत्री आ जाएंगे तो 10 लाख नौकरी वो नहीं दे सकते। अभी सरकार ने क्या दावा किया नौकरी के आधार कि 2 लाख लोगों की हम लोगों ने रिक्ति निकाली, नौकरी मिली नहीं है। आप जरा बताइए ना भाई, कितने लोगों को नौकरी मिल गई? पहले एग्जाम होने दीजिए, पहले पेपर लीक न हो, एग्जाम हो जाए, कोर्ट में केस न हो, बहाल हो जाइए, तब तो ना गिनिएगा। अभी से प्रचार कर रहा है कि 2 लाख रिक्ति निकाले और कह रहा था कि पहले कैबिनेट में साइन करेंगे और 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। वो वक्तव्य अपने आप में दिखाता है कि वो आदमी कितना अज्ञानी है। कैबिनेट में साइन होने से अगर नौकरी मिलने का कोई प्रावधान तो संविधान में हमने नहीं देखा है। कैबिनेट पदों का सृजन की बात कह सकती है, उसके लिए नियमावली है, सरकार की अपनी प्रक्रिया है। कोई नेता कैबिनेट में साइन करके नौकरी कैसे दे सकता है? तो बिहार की जनता को तो उसी समय सवाल पूछना चाहिए था कि साहब ये संविधान का कौन सा नया अध्याय आपने पढ़ लिया? शायद हम लोगों ने इतनी पढ़ाई नहीं की है, भाई साहब तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो संविधान का कौन सा चैप्टर अध्याय पढ़ लिया जिसमें लिखा हुआ है कि कैबिनेट 10 लाख लोगों को नौकरी दे सकती है? अब जाकर आपको पूछना चाहिए कि कैबिनेट हो नहीं रही है कि आपका कलम टूट गया है कि स्याही सूख गई है? लेकिन गलती तेजस्वी यादव की नहीं है, गलती हमारी आपकी है। कोई आकर ये कहता है और आप उसके बात में पड़ जाते हैं और विश्वास कर लेते हैं कि वो आदमी दे देगा। कैसे दे देगा